हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा नया वीडियो चैनल पे अपलोड होगा इमीडिएटली उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद, और मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सॉल्यूशन लेकर आता हूं। ऐसे ही फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मैंने डाटा यहां पे बना के रखा है, इसमें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये है दोस्तों एक 5G हैंडसेट का लेटेस्ट रिंगर पीए, जिसको आप रिंगर आईसी भी बोलते हैं या फिर ऑडियो पीए भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट जा चुके हैं, आपके टीचर ने आपको ये सारी चीजें नहीं बताई है, जो हमारे चैनल पे आपको 5G हैंडसेट के भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सर्किट के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो मुझे उसका दोष मत ठहराना। अदरवाइज हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वो सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, सारे यूट्यूब की फैमिली के लिए, सारे फेसबुक की फैमिली के लिए, जितने भी व्हाट्सएप से या टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए या व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, जहां भी आप हमसे जुड़ के हैं, फोन फिक्स हैदराबाद के साथ जुड़ के हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि आपको कुछ ना कुछ नया नया लाकर देते रहें और नई अपडेट के साथ आपको अपडेट देते रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे पास जो बच्चे आकर सीख कर जाते हैं उन सबको हम नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, जो हमारे लाइव क्लासेस चलते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स फोन फिक्स हैदराबाद में। हर महीना 20 दिन का कोर्स होता है हमारे यहाँ पे, जो कि आपको प्रैक्टिकली हम 8 से 10 घंटा प्रैक्टिकल कराते हैं और 3 घंटा थ्योरी क्लास कराते हैं, जिसमें हम एक एक आईसी की डाटा शीट के बारे में बताते हैं, एक एक लाइन के बारे में बताते हैं, कहाँ पे कौन सा वोल्टेज कब आता है, कौन सी लाइन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन सी आईसी के कौन से नंबर बॉल से वो सप्लाई आ रही है, जीआर क्या है, वोल्टेज क्या है, डायोड मोड रीडिंग क्या है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, इनेबल सिग्नल क्या है, I2C सप्लाई क्या है, SPI प्रोटोकॉल क्या है, इनेबल सिग्नल क्या है, कितना वोल्टेज आता है, प्राइमरी वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, आईसीओ के आउटपुट्स कब निकलते हैं, कब सेक्शन एक्टिवेट होता है, बक लाइन क्या है, एलडीओ लाइन क्या है, ये सारी चीज बच्चों को बताते हैं, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, सब कुछ बच्चों को यहां पे बताते हैं, बेसिक से सिखाते हैं। अगर आप किसी और फील्ड से हैं तब भी आप फोन फिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सालों से काम कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका हैंडसेट रिटर्न जा रहा है, अगर आप बड़े बड़े शहरों में ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं, गुजरात जाके आ चुके हैं, दिल्ली जाकर आ चुके हैं, किसी भी शहर में आप इंडिया के जाकर आ चुके हैं जहां पे 50-50 बच्चों को बिठा के पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं फ्रेंड्स एक टीचर के पीछे 50 बच्चे कैसे सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहां पे फ्रेंड्स ओनली 20 स्टूडेंट्स ही लेते हैं, 4 से 5 टीचर होते हैं आपके साथ और हर बच्चे को उतना ही टाइम देते हैं जितना एक फ्रेशर बच्चे को देते हैं, उतना ही टाइम हम जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे आते हैं उनको भी देते हैं। कैटेगरी वाइज पढ़ाया जाता है, जिसकी जैसी नॉलेज है उसके आगे से उनको समझाया जाता है, तब जाकर वो अच्छे लेवल पे काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसा कि फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाला हूं आपसे रिंगर पीए के बारे में, रिंगर आईसी के बारे में। यहां पे आप देख सकते हैं ये 20 लेग का रिंगर पीए है, जिसको एक पैड आईसी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रिंगर आईसी क्यों इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रिंगर इस तरह के काफी सारे आपके मोबाइल के अंदर आपको देखने मिलेंगे, तो सबसे पहले इसको आपको चेक करना होता है। तो यहां पे आप दोनों टिप्स के पास अगर आप चेक करेंगे तो मल्टीमीटर को बजर पे रख के आपको चेक करना है, बीप के साथ 7 से लेके 11-12 के आसपास आपको इन दोनों टिप्स पे आपको वैल्यू आनी चाहिए। ये देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको मिलते हैं यहां पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये भी एक है, इस तरह के भी आपको काफी सारे अलग अलग टिप्स में, ये कीपैड वगैरह में मिलेंगे आपको, इस तरह के 4G हैंडसेट में मिलेंगे, इस तरह का कीपैड में मिलेंगे, और यहां पे भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह के आपको रिंगर के पीए मिलेंगे। तो दोस्तों, रिंगर आईसी और वॉइस के लिए जो हम ये लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आपका गाना बजता है या कॉल आता है तो वहां पे आपको आवाज को बढ़ाकर सुनना होता है, क्योंकि अगर आप रिसीवर में सुनेंगे या फिर आप रिसीवर में सुनते हैं आवाज, तो आपकी कम आवाज आती है। माइक से बात करते हैं तो आगे वाले को आहिस्ता से आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब आप स्पीकर पे डालते हैं तो वो आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है, सारे लोग सुन पाते हैं। अगर आप गाना देख रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपको आवाज अगर से बाहर सबको सुनाना है तो ये आपको रिंगर, जिसको हम स्पीकर भी बोलते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसको जो आवाज आती है फ्रेंड्स, इसकी जो सप्लाई होती है, तो सीपीयू से लेकर के
ऑडियो आईसी से लेकर के रिंगर पीए तक ये सप्लाई होती है, तो कैसे कनेक्शन होता है ये सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे फ्रेंड्स मैं सबसे पहले एक यहां पे लेटेस्ट 5G का डायग्राम लिया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स Redmi Note 10 5G हैंडसेट है। तो इसमें फ्रेंड्स यहां पे मैं सबसे पहले यहां पे आपको बताना चाहूंगा, यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आईसी जो कि आपको 20 लेग इसमें दिख रहे हैं। अगर आप डायग्राम में जाके सर्च करेंगे U2402 ये एक रिंगर पीए है। अगर आप आकर के यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे डायग्राम स्कीमेटिक की फाइल में लेआउट में तो आपको वो इस तरह का दिखेगा, लेकिन अगर इन लाइनों पे क्या क्या सप्लाई कहां से आ रही है ये आपको अच्छे से सीखना है, आप फोनफिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक एक लाइनों के बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, चाहे कोई भी हो। इसके अलावा बहुत सारे रिंगर पीए आते हैं, K318 आता है, जैसे कि यहां पे मैं बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं ये 16 बॉल का आईसी होता है जिसमें 14 बॉल भी होते हैं। तो एक एक बॉल पे क्या आपको वैल्यू आनी चाहिए, कहां से सप्लाई आता है, सब कुछ आपको मैं क्लास में बताता हूं यहां पे। तो यहां पे फ्रेंड्स मैं आपको डायग्राम में बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं स्पीकर यहां पे आपको लिखा मिलेगा, और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बताना चाहूंगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करेंगे फ्रेंड्स एक से लेकर के अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट जो नंबर दिख रहा है आपको 20 नंबर तक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस पे सप्लाई मैं आपको यहाँ पे एक बार पीपीडी में आपको बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 लेग का ऑडियो पीए जो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं फोनफिक्स हैदराबाद की तरफ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको 20 लेग मिलेंगे जिसको हम पैड भी बोलते हैं, और ये रिंगर पीए। और यहाँ पे एक और आईसी की जरूरत पड़ती है ऑडियो आईसी, और इसके साथ कुछ सप्लाई चाहिए हमको सीपीयू के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये DC-to-DC आईसी हमारी जो कि चार्जिंग आईसी होती है, इससे भी कुछ सप्लाई हमको होते हैं। तो यहाँ पे 3 आईसी और एक यहाँ पे मैंने कनेक्टर ले लिया जहां पे आपका रिंगर लगता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखेंगे तो VPH की सप्लाई इसमें इन होती है 3 नंबर में, जिसको हम वी इन की सप्लाई भी बोलते हैं, और यहीं से एक बूस्ट कॉइल के थ्रू यहां पे आप देख सकते हैं एक बूस्ट कॉइल के थ्रू ये आपकी चले जाएगी यहां पे 18 नंबर पिन के अंदर, जिसको हम SW लाइन बोलते हैं, इसको स्विचिंग लाइन बोलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं SW हमने लिख दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको ग्राउंड पिन चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं एक नंबर इसका ग्राउंड है और 5-6 भी इसका ग्राउंड है, और इसके अलावा यहां देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सब कुछ इसके ग्राउंड पिन है, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज के साथ ग्राउंड भी चाहिए, इसको जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें ऑडियो आईसी से 2 सप्लाई इनपुट होती है जिसको हम ऑडियो इन बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पॉजिटिव, एक सीरीज में आपको कैपेसिटर मिलेगा, और उसके बाद और एक लाइन यहाँ पे देख सकते हैं जिसको हम ऑडियो इन नेगेटिव बोलेंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों सप्लाई ऑडियो आईसी से ऑडियो के सिग्नल इसमें आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीपीयू से एक क्लॉक लाइन और एक डाटा लाइन हमको चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक और डाटा दोनों चाहिए। इसके अलावा एक रीसेट की सप्लाई सीपीयू से सीधा यहाँ पे ऑडियो आईसी के रिंगर आईसी के साथ कनेक्ट होती है, बीच में एक टेस्ट पॉइंट मिलेगा आपको, और 4 नंबर के साथ ये पिन कनेक्ट होती है रीसेट की। 1.8 का आपको वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, I2C क्लॉक में भी 1.8, ऑडियो रीसेट पीए जिसको कहा जाता है कि इस आईसी को यहाँ पे कंपलसरी जरूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 और 19 नंबर के बीच में एक कपलिंग कैप होता है जो कि सीरीज में, जिसको हम VBST बोलते हैं, बूट स्ट्रैप कैप, ये भी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। तो इसके अलावा फ्रेंड 2 नंबर से जो है आपका आउटपुट निकलता है जो कि पॉजिटिव में आपको स्पीकर आउट पॉजिटिव बोलते हैं। उसके बाद यहां पे 20 नंबर से स्पीकर आउट पीए नेगेटिव जो है, तो ये दोनों सप्लाई यहां पे आते हैं, और बीच में आपको यहां पे दोनों कॉइल्स मिलेंगे, देख सकते हैं यहां पे, तो 2 कॉइल यहां पे आपको होना बहुत जरूरी है। तो ये आप जैसे देखे हैं फ्रेंड्स ये सारा का सारा हमारा एक आईसी का डाटा शीट हमने आपको एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा ये एक एनिमेशन के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे सप्लाई यहां पे वर्क कर रही है, क्या क्या सप्लाई चाहिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, नया ऑडियो रिंगर पीए है ये, अभी तक K318 ऐसे बहुत सारे आते थे। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा सोल्यूशन और बता देता हूं कि कॉलकम में अगर आप देखेंगे, अगर ऑडियो आईसी अगर आप देखेंगे तो इस तरह की आपको WCD करके आपको देखने मिलेगी, जिसको हम वायरलेस कोडेक कहते हैं, तो ये इसका ऑडियो आईसी होता है। अगर MediaTek में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो पावर आईसी के अंदर ही आपका ऑडियो आईसी होता है, पावर प्लस ऑडियो होता है। कॉलकम में भी काफी सारे ऐसे सेट्स है जिसमें पावर आईसी के अंदर ही आपको ऑडियो आईसी मिलता है। तो दोस्तों ये एक फोनफिक्स हैदराबाद
हैदराबाद की तरफ से एक छोटा सा यार सोल्यूशन समझिए आप। इस तरह के काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा, टच पैनल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं ये वही हमारा ऑडियो का पीए है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं ये वही 20 लैक का हमारा पीए है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार कैसे आपको समझना है। अगर आप चेक करोगे तो मैं तो डाटा शीट बना के डायग्राम बना के बताऊं जैसा मैंने बनाया फ्रेंड, सेम एज इट इज आप सबको सिखा दूंगा कि कल के दिन कोई नया आईसी आ जाए, कोई भी सेट आ जाए, 5G आ जाए या जो भी आ जाए, आप इस तरह का डाटा बना सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पे हम देखेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं VS YS लिख के, जहां से 4 वोल्ट की सप्लाई यहां से इन होगी, ये देख सकते हैं यहां पे एक 100 नैनो फैराड का कैपेसिटर मिलेगा जो कि सप्लाई आपकी VDD के नाम से, वोल्टेज ड्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं। तो यहां पे आपको 4 वोल्ट की सप्लाई यहां पे इन हो जाएगी, जिसको हम VPS भी बोलते हैं क्वालकॉम में, और अगर आपका MediaTek होगा तो VS/YS बोलेंगे, और अगर क्वालकॉम होगा तो VPS बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यही सप्लाई आपकी यहां से देख सकते हैं, एक कैपेसिटर यहां पे पैरेलल में रखा गया है, उसके बाद जो कि हमारा 10 माइक्रो फराड का कैपेसिटर है, उसके बाद एक और पैरेलल में आपको कैपेसिटर मिलेगा जो कि 100 नैनो फराड का कैपेसिटर है। इसके बाद ये यहां से बूस्ट कॉइल के थ्रो ये यहां पे स्विचिंग के लिए SW के लिए 18 नंबर बॉल में चले जाएगी, और 3 नंबर हमारी इनपुट सप्लाई है जैसे कि आपने देखा। इसके साथ फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव का ग्राउंड है, PGND जहां पे लिख के है, और यहां पे कितनी सारी सप्लाई है उन सब का आपको ये जो लाइंस देख रहे हैं फ्रेंड्स ये सब आपको ग्राउंड देखने को मिल जाएगी, सारे के सारे ग्राउंड पिंस है। इसके अलावा 5 नंबर भी आप देख सकते हैं ये भी आपकी ग्राउंड पिन है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे सबसे पहले हमने वोल्टेज दे दिया, उसके बाद ग्राउंड यहां पे दे दिया, इसके बाद फ्रेंड्स एक आईसी को इनपुट में आपको किस लिए लगाई गई है, क्योंकि ये ऐसी रिंगर पीए है, स्पीकर पीए है, ऑडियो का पीए है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन जो कि AULOLP और AULOLN ये दोनों सप्लाई एक सीरीज में कैपेसिटर रख के 100 नैनो फैराड के। ये कैपेसिटर सीरीज में क्यों लगाए गए सब कुछ मैं डिटेल में क्लास में बताता हूं कि सीरीज में कैपेसिटर क्या करता है, पैरेलल में कैपेसिटर का क्या काम है, कब फिल्ट्रेशन का काम करता है, कब वो सिग्नल को पास करता है, कब वो डीसी को रोकता है, कैसे वो डीसी को स्टोर करता है, सारी चीज मैं आपको क्लास में बताता हूं। तो यहां से फ्रेंड दो लाइन आप देख सकते हैं 107 नंबर में इनकी शक्ल में चले गई, और दूसरी सप्लाई यहां से आप देख सकते हैं 8 नंबर बॉल में नेगेटिव की शक्ल में। तो ये हो गई पॉजिटिव सप्लाई और एक ये है नेगेटिव सप्लाई। यहां से फ्रेंड्स ऑडियो का डाटा यहां से आपको इन दोनों लाइनों से ऑडियो आईसी, ये जो हमारी ऑडियो आईसी से ये आपका ऑडियो का डाटा जो है, जिसको हम प्री एम्पलीफायर भी बोलते हैं या फिर प्री सिग्नल भी बोलते हैं, ऑडियो का प्री सिग्नल जिसे कहते हैं, तो ये यहां पे दोनों में इन होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पे सीपीयू का कमांड लाइन चाहिए, तो यहां पे मैं एक कलर दूसरा चूज कर लेता हूं। यहां पे सीपीयू की जो लाइन है फ्रेंड यहां पे आप देख सकते हैं SDA और SCL दोनों लाइनों में, अगर आप SDA में भी अगर आप चेक करेंगे तो यहां से डाटा जो है आपका सीपीयू से इस तक पहुंचेगा, जो कि हमारी 9 नंबर की पिन है जहां पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक करने मिल जाएगा, और जो हमारी 10 नंबर की पिन है ये क्लॉक की लाइन है जहां पे आपको इस तरह के क्लॉक के आपको पल्स जनरेट ऑलवेज आगे की ओर जाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो 10 नंबर पे हमारा SCL की लाइन है जो कि सीरियल क्लॉक की लाइन है, जिसको हम सीधा सीधा अगर बात करें तो I2C प्रोटोकॉल कहा जाता है, जो कि सीपीयू के साथ ये कनेक्ट होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पे एक रीसेट की सप्लाई हमको चाहिए, तो रीसेट के लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ये देख सकते हैं ऑडियो पीए रीसेट, ये भी आपका सीपीयू से ही आता है और ये भी आपका सीपीयू से। तो यहां से आप देख सकते हैं बीच में आपको एक टेस्ट पॉइंट मिल रहा है जो कि TP2401 की नंबर से है, और यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये 4 नंबर बॉल में जाएगा रीसेट नेगेटिव की शक्ल में। तो यहां पे भी अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो 1.8 का आपको यहां पे वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये तो हो गए सारे इनपुट की सप्लाई। अब यहां पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पे देख सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड और वोल्टेज बूटस्ट्रैप दोनों के बीच में यहां पे एक सीरीज में एक कैपेसिटर है, यहां पे ये देख सकते हैं IC to IC कम्युनिकेट या रेफरेंस, यहां पे दो कैपेसिटर्स लग के हैं जो कि पैरेलल में लग के हैं, ये देख सकते हैं यहां पे एक
10 माइक्रोफराड के दोनों भी कैपेसिटर्स 10 माइक्रोफराड के पैरेलल में लगे हैं। तो ये जो सीरीज का कैपेसिटर है इसका भी बहुत ज्यादा इसमें काम होता है फ्रेंड, जो कि मैं आपको क्लास में बताऊंगा क्यों सीरीज में लगाया गया है, क्यों इसकी एक आईसी के साइड वीरेक लिखे है, क्यों वीबीएसटी लिखे है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है आपका, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। इतना सब कुछ होने के बाद अब एक आईसी आउटपुट निकालती है फ्रेंड्स। तो आउटपुट जो निकालती है यहां से हम देखेंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्पीकर का पॉजिटिव लाइन है और ये जो है हमारी स्पीकर की नेगेटिव लाइन है। यही दो लाइन है फ्रेंड, पे आपको दो कॉइल मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो कॉइल मिलेंगे ये नॉर्मल कॉइल मिलेंगे। हर एक आप कहीं पे भी किसी भी हैंडसेट में मीडियाटेक हो, क्वालकॉम हो, सैमसंग हो, जैसे ही आपका पीएसए ये सप्लाई आउट होती है तो यहाँ पे आपको सीरीज में दो नॉर्मल कॉइल मिलेंगे। और बाद में यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज में कॉइल का क्यों इस्तेमाल किया जाता है और पैरेलल में कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सीरीज में डायोड का इस्तेमाल कब किया जाता है, पैरेलल में कौन सा डायोड और उसका कब इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक हम आपको क्लास में सिखाएंगे। यहां पे दोनों आप देख सकते हैं, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये लाइन है फ्रेंड्स, यहां से बीच में आपको दो कैपेसिटर मिल जाएंगे 100 पिको फैराड के, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये दोनों हमारी जो आपके रिंगर के टिप्स होते हैं, एक को पॉजिटिव बोलते हैं एक को नेगेटिव बोलते हैं। यहां पे आपको दोनों के पास जीआर मिल जाएगा 400 से लेके 800 900 के आसपास। और जब आप गाना प्ले करोगे, सॉन्ग को प्ले करेंगे, तो यहां पे आपको डाटा भी चेक करने को मिल जाएगा डीएसओ के अंदर, और साथ ही साथ वोल्टेज भी आपको मिलेगा यहां पे 1.8 से लेके 3.6 के आसपास आपको यहां पे वोल्टेज भी चेक करने मिल जाएगा। तो ये चीज मैं डीएसओ के साथ लाइव क्लास के अंदर आपको बताता हूं जब हमारे पास आप सीखने के लिए आते हैं। दोस्तों अलग अलग हैंडसेट में अलग अलग तरह के कॉम्पोनेंट लग के होते हैं, अलग अलग तरह की आईसियां होती है, सब में अलग अलग तरह के कॉम्पोनेंट होते हैं, अलग अलग तरह की आईसियां होती है सब में। किसी इसमें जैसा कि आपने देखा I2C प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया गया। अभी स्मार्ट पीए आ चुका है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो I2C के साथ साथ इंटर इंटीग्रेटेड साउंड सिग्नल का इस्तेमाल किया गया, जहां पे सीपीयू से 8-8 लाइनों का इस्तेमाल किया गया है। रीसेट लाइन के साथ INT सिग्नल का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो हमारे रिंगर पीए के लिए दो लाइनें निकल रही है, वहां पे 4 सेंसिंग की और 2 लाइन को बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों ये नया नया रिसर्च जो हम लोग करते हैं, नया नया R&D जो करते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर करते हैं। यही एक कारण है कि बच्चे जाकर के अपने मार्केट में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ अगर आपको सीखना है, अगर आपको डाटा शीट बनाना सीखना है, अगर आपको प्रैक्टिकली सीखना है, कितने चाहे उतने हैंडसेट लेकर आइए हमारे पास इंस्टीट्यूट में, आप लाइव आपसे रिपेयर करवाएंगे। प्रैक्टिकली यहाँ पे लाइव रिपेयरिंग होती है, टीचर्स जो है लाइव रिपेयर करके आपको बताते हैं, आपसे लाइव रिपेयर करवाते हैं। यही एक कारण है कि बच्चों का डर यहाँ पे जाता है। 4 दिन के अंदर 4G का CPU 100%, अगर 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 को हम ऑन 4G का सेट देते हैं, CPU और MMC निकलवा के उनसे लगाते हैं। तो दोस्तों उनका डर निकल जाता है जब ऑन सेट पे काम करते हैं। 2 ब्लैक पेस्टेड, 2 व्हाइट पेस्टेड, 2 सैमसंग के मदरबोर्ड देते हैं, 1 डुअल डेकर का लेटेस्ट बोर्ड देते हैं बच्चों का हैंड स्किल बनाने के लिए। हर बच्चे को यहाँ पे एक लैपटॉप इस तरह से दिया जाता है जिसके अंदर आपको बॉर्नियो हो गया, इस्टेक हो गया, प्रग्मा फिक्स हो गया, एक एक डायग्राम का टूल इसके अंदर डाल के बच्चों को देते हैं ताकि वो एक एक लाइनों की सप्लाइयों को वो चेक कर सके। दोस्तों इतना सब कुछ फोनफिक्स हैदराबाद की टीम देती है आपको, और सारे ब्रांडेड टूल्स देते हैं काम करने के लिए, चाहे वो SMD हो, आयरन हो, PPD पेस्ट हो, थिनर हो, या फिर आपका ट्वीजर हो, ट्वीजर तक हम रिलाइव का देते हैं, ब्रांडेड टूल देते हैं। तो तब जाके आपका एक अच्छा हैंड स्किल बनता है। दोस्तों पास का इंस्टीट्यूट बिल्कुल मत देखिए, जहां पे हजारों बच्चे बैठ बैठ के सीख रहे हैं, दोस्तों 50-50 बच्चों को बिठाया जा रहा है, वहां पे आपको सीखने कुछ नहीं मिलेगा। आज ही जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद की टीम के साथ, सालों का एक्सपीरियंस आपको देंगे, एक एक चीज की नॉलेज आपको देंगे, हर एक काम आपके हाथ से हम यहां पे करवाते हैं। दोस्तों इस तरह के वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो जरूर नीचे कमेंट करें, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने के लिए काफी सारी मेहनत लगती है, पूरा रिसर्च करना होता है, डायग्राम बनाना होता है, उसके बाद एक वीडियो बनता है, फिर एडिटिंग होती है, काफी सारा मेहनत लग जाती है, एक एक वीडियो के पीछे कभी कभार 2-3 दिन लग जाते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस अगर आपको जरे से भी अच्छे लगते हैं, कुछ भी अगर एक भी चीज से अगर आपको सीखने मिली, जरूर एक लाइक दे देना, नीचे अपना प्यारा सा एक कमेंट दे देना, इस वीडियो को एक टेक्नीशियन भाई के साथ जरूर शेयर कर दे, ताकि वो भाई भी हमारे वीडियोस के साथ कुछ ना कुछ सीख सके। और अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं, हैदराबाद में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है तेलंगाना में, कभी भी आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप कर
करके डिटेल ले लीजिए कोर्स की। पूरे इंडिया में हमारी सबसे कम फीस है, रहने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, ओनली आपको खाना अपना देखना है और अपने साथ जो सेट्स है जो दुकान में नहीं बना पा रहे आप यहां लेकर आइए आप, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट आपको फोन लाने नहीं बोलेगा। दोस्तों हम यहाँ पे रिपेयर करवा के आपके साथ भेजेंगे वो सेट्स को, सिर्फ दिखाएंगे नहीं कि फॉल्ट बनता कैसे, आपके हाथ से हम करवाएंगे। चलिए दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।